समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जल्द जारी करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। पहली सूची में सपा ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। सपा की दूसरी लिस्ट में 18 नाम हो सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन कहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव का नाम हो सकता है और आजमगढ़ से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। घोसी लोकसभा से राजीव राय का नाम फाइनल होने की खबर है तो फूलपुर से सिराथू विधायक पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं। बलिया से अंबिका चौधरी का नाम सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ से एसपी पटेल, कौसाम्बी से इंद्रजीत सरोज और मछलीशहर से विधायक रागिनी सोनकर को अखिलेश यादव मैदान में उतार सकते हैं। इनके अलावा इटावा, गाजीपुर, मुरादाबाद और कई सीटों पर उम्मीदवार जल्द घोषित किए जा सकते हैं। दूसरी सूची के साथ ही 10 से 12 दिन में काफी नाम सामने आने की सूचना है। अगर मुजफ्फरनगर सीट सपा के खाते में रहती है तो इस सूची में इस सीट के उम्मीदवार का नाम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हंगामा है। खैर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सपा के खाते में रही तो हरेंद्र मलिक का नाम हो सकता है, लेकिन हरेंद्र मलिक का भारी विरोध भी हो रहा है। रालोद नेताओं का साफ कहना है कि गठबंधन में मुजफ्फरनगर हर तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के पास ही रहेगी। ऐसी ही स्थिति कैराना लोकसभा सीट पर भी बन रही है, साथ ही बिजनौर सीट पर भी ऐसा ही कुछ पेच फंसा हुआ है। ऐसे में उन सीटों पर स्थिति साफ होने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। दूसरी सूची में फतेहपुर सीट के होने की सूचना भी है। पहले उम्मीदवार सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हो सकते थे, लेकिन हाल ही में उन्हें मिर्जापुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में नरेश उत्तम मिर्जापुर से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि मिर्जापुर सीट का नाम दूसरी लिस्ट में आता है या नहीं।